फ्राइड पीनट्स बनाने के लिए छिले हुए पीनट्स चाहिए, जिसको हम मूंगफली बोलते हैं। हमें ऑयल चाहिए, रिफाइन ऑयल चाहिए हमें, और हमें सॉल्ट चाहिए और रेड चिली पाउडर चाहिए। सिर्फ ये चार इंग्रेडिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट है फ्राइड पीनट्स बनाने के लिए। तो उनके तकरीबन इसके अंदर ऐड करते हैं, जिस हिसाब से आप पीनट्स लेते हैं उतने बोल लीजिए। जैसे जैसे ही आपकी ऑयल गर्म हो जाता है, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो अपने पीनट्स हैं वो ऐड करते हैं। ऐसे हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी ये पीनट्स हैं, फ्राइड पीनट्स हैं, या तो आप इसको टिश्यू पेपर पे उतार लीजिए, या आप डस्टर पे उतार सकते हैं इसको। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने पूरे के पूरे पीनट्स को, जो फ्राइड पीनट्स हैं, उसको अपने डस्टर में उतार लिया है। और उसको क्या करेंगे अपन, हम अच्छे से इसको ब्रश करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया और उसको डस्टर के ऊपर जो तभी तेल था जो बच जाता है उसको हटा दिया। लास्ट स्टेप इसके अंदर क्या होनी है, जो अपना सॉल्ट है थोड़ा सा नमक सॉल्ट ऐड कर देंगे, थोड़ी सी इसके अंदर ज़्यादा ऐड ना करें, मिनिमम से मिनिमम जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी सब चाहिए। आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से आप इसके अंदर चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाट मसाला रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इसके अंदर सिंपल सॉल्ट और रेड चिली भी डालें। ये आपके फ्राइड पीनट्स हैं, वेरी इजी, वेरी क्विक। आप जल्दी से इसको बनाएं, घर पे चलिए ट्राई कीजिए इसको, कैसे भी ये जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट बेकरी की कौन सी आइटम आपको बनाना सीखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।